ये बेहतरीन मौका अल्लाह ने आपको दिया है, ईद का मौका। जिस जिसकी जो जो नाराजगी है, भाई भाई से नाराज है, बेटा बेटा बाप से नाराज है, हजरत जो हो गया सो हो गया, अब हम तौबा करते हैं, आओ गले मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ गई, जो मैंने कल एतकाफ वाले साथियों को भी सुनाई थी। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को कायनात के सरदार, मदीने के सरदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिजी की रिवायत है, या बुनैया इन कदरता अन तुस्बिहा औ तुमसिया वलैसा फी कल्बिका गिश्श ले अहदिन, ए बेटा अगर ये बात मुमकिन है कि तू सुबह और शाम इस हाल में करे कि तेरे दिल के अंदर अपने किसी भाई के बारे में खोट ना हो, अपने किसी भाई के बारे में बुगज ना हो, अपने किसी भाई के बारे में नफरत ना हो, अपने किसी भाई के बारे में इनाद ना हो, अपने किसी भाई के बारे में नाराजगी ना हो, अपने किसी भाई के बारे में दुश्मनी ना हो, फफअल, बेटा ऐसा जरूर करना, अपने दिल को साफ करना, अपने दिल को साफ कर ले इन दुश्मनियों को, इन नफरतों को, इन लड़ाइयों को, इन झगड़ों को अपने दिल से निकाल ले। या अल्लाह के रसूल, अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर सुबह उठते हुए मैं अपने दिल को साफ रखूंगा, रात को सोते हुए अपने दिल को साफ रखूंगा, मेरे से जिसने जो जुल्म किया मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया, मैंने उसके उसकी दुश्मनी अपने दिल से निकाल ली, ए अल्लाह के रसूल फिर इसका नतीजा क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ज़ालिका मिन सुन्नती, ए मेरे प्यारे बेटे ये मेरी सुन्नत है, तू मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, तेरे नबी का तरीका यह है, तेरे नबी के ऊपर ओजड़ियां फेंकी गई, तेरे नबी को लहू लुहान किया गया, तेरे नबी को उसके महबूब शहर से निकाला गया, तेरे नबी को हर किस्म की तकलीफ दी गई, हर किस्म की ईजा दी गई, लेकिन उसके बावजूद जब तेरा नबी फतायाब होकर मक्के के अंदर दाखिल हुआ, मक्के के लोगों को, वो मक्के के लोग जिन्होंने मुझे इस शहर से निकाला था, जिन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, जिन्होंने मुझ पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, अब मौका था कि मैं उनसे बदला लेता, अगर मैं उनसे बदला लेता मुझे ये हक था, लेकिन मैंने ये ऐलान कर दिया, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, आज के दिन मैं तुमसे कोई बदला नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई ईज़ा नहीं पहुंचाऊंगा, तुमने अगर चाह मुझे हर किस्म की तकलीफ दी लेकिन मैंने तुम सबको माफ कर दिया। मेरे प्यारे बेटे अगर तू ऐसा करेगा तो ये मेरी सुन्नत पर अमल होगा, और फिर आगे क्या होगा? जब तू मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, वमन अहया सुन्नती फकत अहब्बानी, जो मेरी सुन्नतों पर अमल करता है, जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे प्यार करता है। ऐ अल्लाह के रसूल, जो आपसे प्यार करेगा, जो आपसे मोहब्बत करेगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अहब्बानी काना माइया फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा, जो मुझसे प्यार रखेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा, क्यामत के दिन जब हू का आलिम होगा, जब बाप बेटे के काम नहीं आएगा, जब माँ बेटे के काम नहीं आएगी, जब शोहर बीवी के काम नहीं आएगा, जहां माँ को पहचानने से भी इनकार कर दिया जाएगा, जहां बाप को पहचानने से भी इनकार कर दिया जाएगा, ऐसे दिन में तुझे कोई गम नहीं होगा, क्यों? कि तू ऐसे दिन के अंदर काना माइया फिल जन्नती, मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा, मेरे साथ जन्नत में मजा करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये मुल्क का क्या हाल, आप रोज सारे जो है मीडिया देखने वाले, अखबारात पढ़ने वाले, मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे, मुल्क का क्या हाल कर लिया है, कोई सियासी पार्टियों के झगड़ों में लगा हुआ है, ना रोजे रसूल महफूज है, ना मुल्क महफूज है, कोई कौम के अंदर लगा हुआ है, महाजर कहते हैं मुझे फलां ने मेरा हिस्सा नहीं दिया, पठान कहते हैं मुझे फलां ने मेरा हिस्सा नहीं दिया, मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, फलां ने मेरी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, फलां ने मेरे बच्चों को तकलीफ दी है, फलां ने मेरी दुकान के सामने दुकान खोली है, फलां की वजह से मेरे कारोबार तबाह हो गए, फलां की वजह से मेरे कारोबार का नुकसान हो गया, इन दिलों के अंदर बुग़्ज़ और इनाद रख के तुम दुनिया में भी रुसवा हुए, दुनिया में भी तुमने दुश्मनियां पाली, दुनिया में भी जलील हुए, दुनिया में भी ख्वार हुए, और मरने के बाद औलाद को भी इसी जिल्लत में छोड़ दिया, और खुद तो हमेशा की जिल्लत में चले गए।